लेकर ऐसी चिंताजनक जानकारी सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अमरावती तहसील में जनवरी से अगस्त तक 8 महीनों में 180 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसमें सितंबर में हुए किसानों की आत्महत्याएं शामिल नहीं है। इनमें से केवल 65 आत्महत्याएं सरकारी सहायता के लिए पात्र थी। पात्र में से 49 आत्महत्या करने वाले किसान के परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। आत्महत्या के 82 लंबित मामले हैं, जबकि 33 मामले अपात्र घोषित किए गए हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएं, कृषि उत्पन्न में गिरावट, उपज की कमी, कम कीमत, बारिश, रून जैसी समस्याओं के चलते खरीफ सीजन के 3.5 माह के दौरान जिले के 55 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसमें जून में 18, जुलाई में 19, अगस्त में 18 आत्महत्याएं हुई। साल 2024 का खरीफ सीजन आधा खत्म हो चुका है। इनमें मूंग, उड़द, सोयाबीन आदि फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब केवल कपास और अरहर की फसल बची है। ये दोनों फसलें आज 60% बर्बाद हो गई है। संतरा किसानों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है, जिस कारण किसानों को आखिर में कर्ज होने के कारण आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता, जिस वजह से बेबस किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होकर ऐसा कदम उठा लेते हैं।